तुम पद्मावती को, धर्मेंद्र को, चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्रगति, वज्र संकला, प्रदुष्टा, मनोवेगा, काली, ज्वालामाली, महाकाली, मानवी, गौरी, गंधारी, बैरोटी, अनंतमती, मानसी, महामानसी, जया, विजया, पराजिता, बहुरूपिणी, चामुंडनी, कुष्मांडनी, पद्माय, पद्मावती, सिद्धायना, स्वीति, जिन शासन यक्षी देवता सेवा का ये सूत्र आचार्य श्री यति वृषभ स्वामी ने दिया है, क्या इसके अनुसार हमारी ये जो जैन देवियां हैं, क्या किसी अजैन मंदिर में तुम्हारे लिए आज तक देखने को मिली? काहे को तुम इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए? अरे आज तुम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान रखो, जो इनके लिए छेड़ा छाड़ी करेगा, इनके लिए निकालने की कोशिश करेगा, एक दिन वह स्वयं जैन समाज से बाहर निकल के नरकों में जाकर के सड़ेगा। आज जो देवी देवताओं को, जैन देवी देवताओं को, जैन मंदिर में रहने वाले देवी देवताओं को निकालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई घर में रहता हो या मंदिर में रहता हो या किसी आश्रम में रहता हो, एक दिन तुम्हारे लिए ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम जाकर के किसी नरक के बिल में चूहों की तरह घुस करके रहोगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए किसी जैन देवी देवता के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये जैनों के हैं, गर्व से हमें संभालना चाहिए, गर्व से इसका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। यदि हम किसी जैन देवी देवता को विराजमान नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हारे लिए इनको मिटाने का कोई औचित्य नहीं है। संवर का पहला मार्ग है मिथ्यात को रोकना है, सम्यक्त को नहीं रोकना है। आज तथा कथित लोग मिथ्यात को रोकने की बजाय सम्यक्त के मार्ग को रोक रहे हैं, अनायतनों को छाटने की बजाय जिनातनों को छाटने का प्रयत्न कर रहे हैं, अनायतनों से बचने की बजाय जिनायतनों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि संभ्रानु परीक्षा कहती है कि हमें मिथ्यात से बचना है, मिथ्यात के आश्रयों से बचना है, यदि अदेवों से, कुदेवों से बचना है, तो आओ हम सुदेव के मार्ग में लगे, यदि हमारे लिए अदेवों से बचना है तो सच्चे देव के मार्ग में हम आ जाएं, और वह सच्चे देवों का मार्ग यदि किसी ने दिखाया तो समंत भद्राचार्य से लेकर समस्त आचार्यों ने वो हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए हम सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे देव शास्त्र गुरु के जो भक्त हैं, जिसे हम कहते हैं सच्चे देव के भक्त, सच्चे जिनवाणी के भक्त और सच्चे गुरु के भक्त, हम इसे स्वीकार करें, छह अनायतनों को छोड़ें और छह आयतनों को अपनाने लग जाएं, तो हमारा संवर का मार्ग हमारे लिए स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही सम्यक्त का मार्ग, संवर का मार्ग मिला है, तो मिथ्यास्त होने वाली जो कर्म प्रकृतियां थी, जो नरकायु के आश्रव के कारण थी, खास तौर से जो मिथ्यास्त के सद्भाव में 16 प्रकृतियां बनती हैं, विद्वत वर्ग इस बात को सुन ले कि मिथ्यास्त के सद्भाव में जो 16 प्रकृतियां बनती हैं, यदि वो प्रकृतियों का आश्रव रुकेगा तो सिर्फ संयुक्त के मार्ग को जिनायतनों को, आयतनों को अपनाने से मिलेगा। यही संवर का सबसे पहला कदम है। आओ हम पहले कदम को अपनाएं, इसके बाद दूसरी स्टेप हम प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही।